हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा प्रोटीन पाउडर। एक्सरसाइज तो बहुत करते हैं, फिर भी मनचाही बॉडी बन नहीं पाती। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो मसल बन नहीं पाता। चाहे हम कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, अगर सही मात्रा में प्रोटीन बॉडी में नहीं जा रहा तो हम अपनी बॉडी ठीक से बना नहीं पाते। बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो भी हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती है, लूज लूज होने लगती है। प्रोटीन की मात्रा हमारे एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करती है। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा लगती है। अगर हम बीमार है, कोई हीलिंग प्रोसेस में है, जैसे फ्रैक्चर हो गया या कोई बीमारी से उठे हैं, तो भी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लगती है। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लगती है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, नए टिश्यूज बनने के लिए प्रोटीन का एक अहम रोल होता है। मार्केट में और भी बहुत तरीके के प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, जैसे वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन को थोड़ा सा मैं कम रिकमेंड करूंगी, क्योंकि सोया एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पल्स है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ हमें ओमेगा फैटी एसिड्स और बहुत सारे मिनरल्स साथ में मिल जाते हैं, जो कि वे प्रोटीन में नहीं मिलते। ये जो प्रोटीन पाउडर हम बनाने जा रहे हैं, ये वेट गेन के लिए भी यूज होगा और वेट लूज के लिए भी यूज होगा, लेकिन इसका लेने का तरीका अलग-अलग है। अगर हमें वेट गेन करना है, वेट गेन के लिए हमें 2 मील के बीच में स्मॉल मील की तरह इसे लेना है। दूध में मिक्स करके या दही में मिक्स करके हम ये प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अगर हमें वेट लूज करना है तो 1 मील को स्किप कर देंगे और उसकी जगह पे ये प्रोटीन पाउडर का स्मूदी बनाएंगे। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिक्स करके मिठास के लिए खजूर या मनुके डाल के हम स्मूदी बनाएंगे और फिर ये प्रोटीन पाउडर यूज करेंगे। और मील इजीली हम स्किप कर सकते हैं, हमें फुलनेस आ जाएगा ये लेने के बाद, पेट में भूख नहीं लगेगी। अगर वेट लूज करने के लिए हम ले रहे हैं तो प्लीज डोंट ऐड शुगर इन इट। तो चलें आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे आलमंड्स, 100 ग्राम्स आलमंड्स। फिर आएंगे कैशू नट्स, 100 ग्राम्स। सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर नट्स भी कहते हैं इसे, ये 100 ग्राम। पम्पकिन सीड्स, ये 100 ग्राम। वॉलनट्स, ये 100 ग्राम्स। चिया सीड्स, इसमें बहुत ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, 100 ग्राम्स। पिस्ता सीड्स, नट्स, ये भी 100 ग्राम। फ्लेक्स सीड्स, जव भी कहते हैं इसे, ओमेगा फैटी एसिड के लिए बहुत फेमस है, 100 ग्राम्स। पीनट्स, 100 ग्राम्स। हर चीज हमें हल्का हल्का भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। हम निकाल लेंगे।
अब डालें वॉलनट्स, थोड़ा थोड़ा भून लेना है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो। किसी किसी को नट्स खाने से गैस की तकलीफ होती है, थोड़ा सा अगर हम भून लेते हैं तो ये नहीं होता। हमारे वॉलनट हो चुके हैं। कैश्यू नट्स, इसी तरह एक एक करके हमें सब भून लेना है। इस तरीके से हर चीज हमने भून ली है, उसे पूरी तरीके से ठंडा होने देना है और फिर हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। इस प्रकार पाउडर बना लेना है और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना है।